डिप्टी मुलाजमीन तमाम तशरीफ फरमा है, मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट आपके पूरी सीधे और उनकी पूरी क्यादत तमाम वेलफेयर्स और तमाम प्यारे मुलाजमीन को यहाँ जगदीशा के बहार पर आमद पर दिल की अता गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। काम करवाना होता है ना, जिनके नसीब में अल्लाह लिख देता है तो अल्लाह ने लिख दिया हमारे नसीब में के आपका काम हमारे होते में हो और इंशाल्लाह होगा। और कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं, कल भी तुम मेरे लिए, आज भी तुम मेरे हो।
बीस बारह वालों को क्या मसला था और ये किस तरीके से आप लोगों ने इसको हल करने की कोशिश की, अब कहाँ तक पहुँचा ये? यार बीस बारह वालों को मसला जो है ना, CBA वालों ने, ये बाबर गोरी ने, मनिस्टर साहब ने भर्ती किया था और इसका मसला 10 साल से अटका हुआ था। CBA वालों ने, शाहजी ने और नवीद भाई ने और मनिस्टर साहब ने जो कारनामा दिखाया, अच्छा। तो मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि यही 20-12 वाला इंशाल्लाह इनको दुआ देंगे और आगे भी इंशाल्लाह इनका काम करेंगे। वालेकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी आप हमें ये बताएं कि ये 20-12 वालों का जो मसला था, जो कि तकरीबन 2012 से चलता हुआ आ रहा है और आज तकरीबन 2023 में इनका ये मसला कुछ हद तक हल हो चुका है, तो इस दौरान इनको कितनी मुश्किलात और कितनी तकलीफें हुई और आप लोगों ने किस तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश की? ये 20-12 में भर्ती हुए थे। अच्छा। तो इनको तमाम राहत मिल रही थी, 2016 तक तमाम राहत मिल रही थी, इनको डिमांड भी मिला, इनको बोनस भी मिला, इनको हर चीज़ मिल रहा था जी। लेकिन अचानक गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर आया, उनकी इंक्वायरी करो कि कैसे भर्ती हुए हैं, कैसे नहीं हुए वगैरह वगैरह। अच्छा। तो इनको इंतजामिया ने एक शोकास जारी किया। अच्छा। तमाम लोगों को शोकास कानूनन डायरेक्ट नहीं दिए जा सकता जी। उसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया जी। तो हाई कोर्ट ने 2020 में, अच्छा, 4 साल तमाम वकला को सुनने के बाद फैसला किया कि शोकास गैर कानूनी है। सही। तो इनके बरात 2020 से बहाल हो जाने चाहिए थे। अच्छा। लेकिन मैनेजमेंट ने उस पर अमल नहीं किया। अच्छा। और हम लोग की तरफ से कंटेम्प्ट भी नहीं फाइल किया गया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद बरात रोकना गैर कानूनी है। इसके बाद जो है इंतजामिया चली गई उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक केस लगा नहीं है जी। उसके लिए हम लोग ने भी सबसे डोनेशन करके और एक अच्छा वकील जो है यूनियन के थ्रू इंगेज किया जी। लेकिन इस दौरान ये जो गवर्नमेंट चेंज हुआ PTI का जी, तो वो दिलचस्पी नहीं ले रहे थे इस केस में। अच्छा। इस गवर्नमेंट ने काफ़ी नरम रवैया अपनाया। अच्छा। मजदूरों के मसाइल पर। अच्छा। और इन्होंने कमेटी बनाई। सही। अभी जैसे आपने सुना होगा अब्दुल कादर मंदुखेल के, उसमें कि जिसको जो भी तकलीफ है वो करें। सही। और हम लोग जब 22 में जीते थे, अच्छा, दिसंबर 22 में, सही, तो इनका जो मसला था वो रुका हुआ था, तो इंक्रीमेंट इनको नहीं दे रहे थे 21 का और 22 का। इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक दो इंक्रीमेंट दिए भी गए, लेकिन अब जो है 21 और 22 का फिर इंक्रीमेंट नहीं दे रहे थे। अच्छा। 1 दिसंबर 21 और 1 दिसंबर 22 को। उसमें फिर यूनियन ने मुजाकरात किए। इस दौरान ये अच्छी बात हुई कि मिनिस्टर साहब मुतहदा के आ गए। अच्छा। और कुछ गवर्नमेंट का रवैया भी बहुत नरम था। सही। तो उस वजह से CBA ने कोशिश की और इनका इंक्रीमेंट जो है वो रेगुलर करके बहाल कर दिया। सही। अब इनको जो है इंक्रीमेंट मिल गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक इनका रेगुलराइजेशन रहता है। अच्छा। तो इस खुशी में आज हम लोगों ने मजदूरों को लंच दिया। सही। एक CBA के एजाज में एक पार्टी दी। अच्छा। कि भाई हमें बड़ी खुशी हुई है, मजदूरों का मसला हल हो गया, कुछ हद तक हल हो गया, बाकी आगे कोशिश करेंगे। लेकिन KBT में मसाइल बहुत हैं, और भी मसाइल हैं, असिस्टेंट पैकेज है, रिबोन सर्विस है, फिक्स पे वाले हैं। अच्छा। फिक्स पे के कुछ मजदूर अभी भी 10,000 तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा। गुज़श्ता 10 साल से। सही। जो कि इंतहाई जुल्म है। बिल्कुल। इसी तरह असिस्टेंट पैकेज के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्डर कर दिया है कि इनको परमानेंट किया जाए। जो बाप मर जाते, बेटा मरती है, तो उसको हम असिस्टेंट पैकेज कहते हैं, फैमिली पैकेज। सही। वो और इसी तरह डेली वेजेस के लिए भी अहकाम आ गए। तो अब यूनियन कोशिश कर रही है इनके मसले को भी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग मिलके इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।